हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कम्युनिटी स्प्रेड को क्या कुछ कहना है उसको लेकर, वो सुनिए आप। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है, जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो, अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती है। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता, और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। संख्या है कि कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं, लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे हैं। केंद्र सरकार मानेगी तभी पहुँचेंगे ना, अगर आप बीमार हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बीमार वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई यहाँ बीमार हैं, तब बात बनेगी। अभी तो रोक रहा है आप लोगों को अपनी तैयारी। देखिए, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो क्या सरकार तैयार है? कम्युनिटी स्प्रेड तो एक टेक्निकल टर्म है कि है या नहीं है, उसको केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसे में आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ही गंभीर बयान कि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो ये केंद्र सरकार को फैसला लेना है। हालांकि एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कम्फर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।